Hey guys, my name is Perigos Bhai. In आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग वापस से एक इंडियन गाड़ी के शोरूम को लूटने वाले हैं। Yes, so ये वाला जो शोरूम है ना, ये स्कॉर्पियो कार्स का शोरूम है। महिंद्रा स्कॉर्पियो ही स्कॉर्पियो मिलती है, एंड हम लोग आज इस शोरूम की सारी स्कॉर्पियो गड्डियों को उड़ा लेंगे। So यार चलो चलते हैं गाइज, आराम से चलते हैं। एंड ओ माई गॉड गाइज, यार ये क्या चक्कर है यार, पुलिस की गाड़ियां खड़ी है यार शोरूम के बाहर। क्या हो गया यार, हमारे गंदे इरादों के बारे में शोरूम के मालिक लोग को पहले ही पता चल गया क्या, इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया। पता नहीं यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट चलो चलते हैं, आराम से चलते हैं शोरूम के अंदर एज अ कस्टमर। एंड ओ माय गॉड गाइस, केवल गाड़ियां नहीं थी पुलिस की यार, पुलिस वाले भी कितने सारे हैं, हर जगह पुलिस वाले ही खड़े हुए हैं। खैर कोई नहीं यार, फ्रैंकलिन इन पुलिस वालों के सामने नर्वस मत हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो कि चलो इनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। एंड चलो यार मैनेजर जी से बात करते हैं। सो हेलो मैनेजर जी, व्हाट्स अप। अरे अरे नमस्ते सर जी, नमस्ते। क्या हुआ, गाड़ी वाड़ी चाहिए क्या? नहीं गाड़ी नहीं चाहिए, घोड़ी चाहिए है, नहीं तो गाड़ी का शोरूम है तो मैं ऑब्वियसली बात है गाड़ी लेने आया हूँ। सो यार मैनेजर जी, देखते हैं यार आपके शोरूम में कौन कौन सी स्कॉर्पियोस खड़ी है। एंड ओ माय गॉड, इतनी सारी स्कॉर्पियोस खड़ी है। रेड स्कॉर्पियो है यहाँ पे, येलो स्कॉर्पियो है, ग्रीन भी है, एंड ओ माय गॉड यार यहाँ पे ये क्रोम कलर की स्कॉर्पियो भी है, ये भी बढ़िया लग रही है। एंड यार ब्लैक स्कॉर्पियो भी है, सब बढ़िया लग रही है, आई लाइक इट। सो यार मैनेजर जी, बढ़िया कलेक्शन है यार आपके शोरूम का। सो ऐसा करते हैं ना, आप मेरे को फटाक से एक टेस्ट ड्राइव दे दो। ऐसा करो, मेरे को ये रेड वाली स्कॉर्पियो की टेस्ट ड्राइव दे दो फटाक से। अरे अरे हाँ जरूर जरूर, चलिए चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाँ चलिए चलिए, लेट्स गो। ओके सर जी चलाओ यार, गाड़ी चलाओ। हाँ चला रहा भाई साहब, चला रहा हूँ। ऑलराइट आराम से चलाता हूँ, यहीं से निकालनी है ना गाड़ी। हाँ यहीं से निकालनी है, सामने। ऑलराइट निकालते हैं यहीं से, आराम से एकदम निकाल लेते हैं। एंड यार मैनेजर जी एक बात पूछूं। अरे हाँ सर जी पूछिए पूछिए। यार इतने सारे पुलिस वाले आपके शोरूम में क्या कर रहे हैं? अरे सर जी सिक्योरिटी के लिए बुलाया है। आजकल यार लॉस एंड टॉर्च बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा, रोज रोज लॉस एंड टॉर्च के शोरूम लूटे जा रहे हैं। तो भैया हमें तो डर लग रहा है, कहीं हमारी स्कॉर्पियो चोरी हो गई तो हमारा क्या होगा, इसलिए हमने पहले ही लॉस एंड टॉर्च की पुलिस को पैसा दिया और अपनी सिक्योरिटी में लगा लिया। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है सही डिसीजन लिया आपने मैनेजर जी, बढ़िया किया। एंड यार चलो चलते हैं, फुल स्पीड में गज्जी को भगाते हैं। अरे हाँ सर जी पूरा भगा दीजिए, बहुत बढ़िया चलती है हमारी स्कॉर्पियो, फुल स्पीड में चलाइए, बिल्कुल भी शर्माइए मत। हाँ हम कहाँ शर्मा रहे हैं, फुल स्पीड में ही चलाएंगे। अच्छा ये स्कॉर्पियो ऑफ रोडिंग गड्डी है ना, तो ऊपर चले जरा, यहाँ पे ऑफ रोडिंग रास्ता है, एक बार ऑफ रोडिंग ट्राई कर लूँ। अरे हाँ हाँ सर जी यार, इसमें पूछने वाली बात क्या है यार, ऑफ रोडिंग गाड़ी को ऑफ रोड में नहीं चलाओगे तो भैया कहाँ चलाओगे, चढ़ा दो गड्डी सर जी। ऑलराइट ठीक है, देखते हैं आपकी स्कॉर्पियो एन में कितना दम है। एंड ओके काफी ब्यूटीफुली चलती चली आ रही है। ऑलराइट यार मैनेजर जी, यार सही में बड़े आराम से हम लोग चढ़ गए। एंड एक सेकेंड, ओ माय गॉड हम लोग तो यार दोस्त पहाड़ी के एकदम टॉप पे आ गए। अरे हाँ सर जी अब चलो वापस नीचे चले। कहाँ नीचे चले? अरे सर जी वापस शोरूम नहीं चलना। कौन से शोरूम? अरे कौन से क्या यार, स्कॉर्पियो के शोरूम यार। अरे वहाँ तो चल ही देंगे, पहले जरा गड्डी से निकलो। अरे क्या हो गया सर जी यार, काय को गड्डी से निकलवा रहे हो? सो बेटे बिल्कुल भी चिल्ला चिल्ली मत करना ठीक है, और चुपचाप जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अरे सर जी क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर बंदूक का टांडी? बेटे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनो, फटाफट पहले मेरे को अपना फोन दो। अरे काय के लिए? अबे काय के लिए क्या, अबे पागल आदमी जितना बोल रहा उतना करना, वरना साले ऐसे ऐसे गोलियों से ठोक दूंगा तेरे को। अरे नहीं 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 सर जी, डेटाओ ये लो मेरा फोन लो। ऑलराइट फोन ले लिया मैंने, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। ऐसा है दोस्त, अब तुम वापस शोरूम में मत जाना, चुपचाप अपने घर जाओ और सो जाओ, और फिर हाँ कल वापस शोरूम में आना। अरे क्या मतलब क्या सर जी आपका? अरे यार जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, नहीं तो साले गोलियों से ठोक दूंगा। अरे नहीं सर जी ऐसा मत करो, ठीक है चले जा रहे घर सर जी। हाँ रौंडे घर ही जाना, नहीं तो बता रहा हूँ साले ऐसे करके ठोक दूंगा तेरे को। अरे सर जी क्या कर रहे हो, बैल दिया रे बाबा, घर जाओ फटाक से। हाँ जा रहे सर जी। ऑलराइट गाइस, यार मैनेजर को हम लोग ने बहुत ज्यादा डरा दिया, उसकी रूह कांप उठ चुकी है। अब मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी शोरूम नहीं आने वाला है, तो शोरूम अपना खाली हो चुका है। अरे यार पहली गड्डी हम लोग ने अपनी स्टील कर ली है दोस्त। सो गाइस ऐसा करता हूँ मैं, फटाक से इस वाली स्कॉर्पियो को हम लोग जल्दी से अपने घर में खड़ी करके आते हैं, फिर वापस शोरूम जाते हैं। एंड या फिर अपनी नेक्स्ट स्कॉर्पियो स्टील करते हैं। हाँ बाय द वे गाइस, जब तक हम लोग ये सब कर रहे हैं, गाइस अगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कर देना, ऐसी मस्त वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूं। एंड या लेट्स गो। ऑलराइट गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं शोरूम में। एंड यार मैं एक चीज तो बिल्कुल भूल ही गया यार, मैंने मैनेजर को तो भगा दिया शोरूम से, लेकिन यार अभी भी शोरूम खाली नहीं हुआ है, मैनेजर गया है, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड थे वो अभी भी वहीं पे सिक्योरिटी कर रहे हैं। सो यार इन लोग को भी हम लोग को बताएं हटाना पड़ेगा किसी तरह। एंड मेरे पास एक मस्त प्लान है भी इनको डिस्ट्रैक्ट करने का, एंड वो प्लान है दोस्तों कि हम लोग ऐसा करते हैं किसी बंदे की गाड़ी चुरा लेते हैं, जैसे ये बंदा जा रहा है। ओए लौंडे रुक 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 जा। अरे क्या कर रहे हो सामने से? अबे यार चुपचाप यहाँ से गाड़ी से निकलो, भागो यहाँ से। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया,
पटक दिया, ए मेरी गाड़ी चोरी कर ली। ऑलराइट गाइस, गाड़ी चोरी कर ली है। अब मेरा बेसिकली प्लान ये है कि ये वाली गाड़ी लेके अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग लगाएंगे इसमें एक स्टिकी बॉम्ब, यहाँ पे ऐसा करते हैं इसमें चिपका देते हैं एंड एक चलो लगे आते इधर भी लगा देते हैं। बढ़िया, अब हम लोग इस गाड़ी को ऐसा करेंगे ले जाएंगे, यहाँ से हम लोग गाड़ी को ले जाएंगे एंड शोरूम के अंदर ले जाके अब ऐसा करते हैं दोस्तों, हम लोग इसको यहाँ किनारे खड़ी कर देते हैं। ठीक, बढ़िया। अब ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ जाते हैं इस साइड पे, यहाँ पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं एंड अब इस स्टिकी बॉम्ब को हम लोग फोड़ देते हैं। तो क्या होगा, स्टिकी बॉम्ब फोड़ेंगे तो गाड़ी फूटेगी, फिर सब पुलिस वाले डिस्ट्रैक्ट होके सब लोग गाड़ी के पास आ जाएंगे तो शोरूम खाली हो जाएगा एंड फिर हम लोग इस शोरूम की बाकी गाड़ी भी उड़ा लेंगे। सो गाइस चलो 3-2-1 एंड बूम, माय गॉड, गाड़ी की वॉट लग गई भाई, यहाँ कहाँ गई भाई, हमारे ऊपर ही कूद गई गाड़ी। बट ठीक है, जो भी है गाइस, गाड़ी हम लोग ने ब्लास्ट कर दी है। सो आई थिंक ना अब ये सारे पुलिस वाले आ रहे होंगे यहाँ पे देखने की हो क्या है यहाँ पे, सीधा थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे एंड माय गॉड गाइस, हमारा प्लान एक्चुअल में काम कर गया। ये देखो सारे पुलिस वाले इस ब्लास्ट हुई गाड़ी को देखने आ गए एंड यार सही है यार, ये लोग जब तक डिस्ट्रैक्ट है ना, हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, यहाँ से जंप लगाते हैं एंड धीरे से यहाँ नीचे से निकल जाते हैं। ऑलराइट, किसी पुलिस वाले ने हम लोग को नहीं देखा, बहुत बढ़िया, सब लोग गाड़ी को ही देख रहे हैं। सो गाइस अभी बिल्कुल सही मौका है, पूरा शोरूम अपना खाली है, सो हम लोग जल्दी से चलते हैं, जल्दी से इन गाड़ियों की चाबी उड़ाते हैं। आई थिंक यार गाड़ियों की चाबी यहीं काउंटर में ही होनी चाहिए, ऑफिस वाले एंड किधर पे चाबी एंड ओके गाइस, यहाँ पे देखो यहाँ पे रखी हुई है गाड़ियों की चाबी एंड चारी चाबी एंड हमारी चारी गाड़ियां बची है, सो यही चाबी है। सो चलो यार चारों गड्डी की चाबी उड़ा लेते हैं एंड अब जल्दी से गड्डी में बैठ के उसे ले चलते हैं। सबसे पहले चलो हम लोग ऐसा करते हैं ये क्रोम एडिशन वाली गड्डी ले चलते हैं, मेरे को यार ये वाली क्रोम स्कॉर्पियो सबसे बेस्ट लग रही है, सो यही लेते हैं। जल्दी से इसमें बैठते हैं अपन एंड इसे भगा के निकल लेते हैं। बाय बाय पुलिस ऑफिसर्स। ए साथियों ये देखो गाड़ी कौन ले जा रहा है, जल्दी से इसे रोको। अबे तुम लोग रोक चुके, जब तक तुम लोग मेरे को रोकने आओगे अपन यहाँ से बहुत दूर निकल लेगा। एंड ओके गाइस जल्दी से भागो भागो भागो, पुलिस वाले अभी हम लोग का पीछा तो नहीं कर रहे हैं, सही है बढ़िया चल रहा है। जल्दी से हम लोग भाग के अपनी क्रोम एडिशन स्कॉर्पियो वैन को भी हम लोग जल्दी से घर में खड़ी करके आते हैं। सर जब तक मैं यार इस ठुकी हुई स्कॉर्पियो वैन को घर में खड़ी करके आ रहा हूँ, गाइस अगर अभी तक तुम लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है मेक श्योर कर देना, देखते हैं इसमें वीडियो में 5000 लाइक्स हो पाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो हो पाएंगे नहीं, बट हो जाए तो मजा आ जाए, सया कर देना एंड या लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वी आर बैक एंड अब मैं बन चुका हूँ एक फर्जी पुलिस ऑफिसर, मैंने यार फर्जी पुलिस ऑफिसर के कपड़े खरीद लिया एंड पहन लिया है एंड अब मेरा प्लान है कि हम लोग एज अ फर्जी पुलिस ऑफिसर बन के जाएंगे एंड या किसी तरह यार इन पुलिस ऑफिसर्स में घुल मिल जाएंगे एंड उसके बाद गड्डी चुरा लेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। बस दिक्कत वाली बात ये है कि यार वो जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स है ना उनकी ड्रेस येलो है एंड हमारी ये ब्लैक वाली है, सो यार दूसरे डिपार्टमेंट वाले पुलिस ऑफिसर भी हम लोग बने हैं, बट ठीक है मैं कुछ ना कुछ बहाना बना ही दूंगा, अब उनके पास बहानों की कमी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल? अरे कमिश्नर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमिश्नर साहब नमस्ते, कमिश्नर साहब नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्ते दोस्तों एंड ओके गाइस आई थिंक यार ये ड्रेस कमिश्नर की है, मैं गलती से इंस्पेक्टर वाली ड्रेस की जगह कमिश्नर वाली ड्रेस पहन के आ गया, बट ठीक है ना बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग इनके बॉस गिरी झाड़ते हैं इनके ऊपर। सो दोस्तों क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे को अभी अभी पता चला कि यहाँ पे एक बम ब्लास्ट हुआ है, कौन किस आतंकवादी ने बम ब्लास्ट किया है पता लगाया तुम लोग ने? अरे ऑफिसर जी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, लगता है किसी ने जानबूझकर इस गाड़ी को ब्लास्ट किया, इसमें स्टिकी बॉम्ब लगे थे। अच्छा इसमें बॉम्ब लगे थे? हाँ कमिश्नर जी। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग मेरा मुंह क्या ताड़ रहे हो, तुम लोग जल्दी से अच्छे से इस गड्डी को इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ किसने ये बदतमीजी करी है एंड तब तक मैं अंदर यहाँ पे कॉफी पी रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ऑफिसर जी। हाँ ठीक है ठीक है। ओकी गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग ने उन बेवकूफ पुलिस ऑफिसर्स को बेवकूफ बना दिया है एंड यार चलो दोस्तों अब जल्दी से हम लोग गाड़ी उड़ा के निकलते हैं। ऐसा करते हैं अब हम लोग ये हरी वाली स्कॉर्पियो इनको लेके चलते हैं, यार ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो मैंने पहली बार देखी है, बट ठीक है चलो इसको भी लेके चलते हैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। अरे कमिश्नर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, यार बस दूध लेने जा रहा हूँ थोड़ा सा, अभी मैं अंदर गया था कॉफी बनाने, लेकिन कॉफी बनाने के लिए दूध ही नहीं है यार, सो मैं बस दूध लेके आता हूँ ठीक है, फिर कॉफी बनाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है कमिश्नर जी। हाँ तब तक यार तुम लोग फटाफट यार इन्वेस्टिगेट करो, देखो तो किसने बॉम्ब फोड़ दिया है उस गाड़ी में एंड ओके बेवकूफ पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग ने फिर से बेवकूफ बना दिया, बड़े जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं एंड इसी के साथ हम लोग ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियो एन को भी स्टील कर लिया। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी से यार मैं इसको भी खड़ी करके आता हूँ एंड फिर नेक्स्ट लेने चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट गड्डी को लेने एंड ओके। यार ये पुलिस ऑफिसर्स कहाँ चले गए यार, अभी तो ये लोग बाहर गाड़ी को ही इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहे थे इस ब्लास्ट गाड़ी को, बट अभी ये लोग गायब हो चुके हैं, कहाँ गए भाई एंड ओके। यार ये लोग यहाँ पे क्या खड़े हुए हैं, अबे तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो सालों, ऑफिसर्स अभी बोला नहीं था मैंने तुमसे उस गाड़ी को इन्वेस्टिगेट करो, यहाँ पे बढ़िया खड़े होके चिल क्यों मार रहे हो तुम लोग? अरे कमिश्नर जी हमारे असली सच्चे कमिश्नर, हम आप ही का इंतजार
कर रहे थे, आपकी खातिरदारी जो करनी थी। खातिरदारी करनी थी? अरे यार, खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है यार दोस्तों। मुझे पता है तुम ऑफिसर्स अपने कमिश्नर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना काम करो, जाके ना बाहर जाओ, यहाँ कोई मत रुको। अरे यार रुक तो जाओ कमिश्नर जी, आपकी खातिरदारी तो करने दो। चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर करके नीचे जमीन में बैठ जाओ, नहीं तो साले ठोक दिए जाओगे। अरे पुलिस ऑफिसर्स, क्या बदतमीजी कर रहे हो? अपने बॉस द कमिश्नर से ऐसे बात करोगे? अबे साले लल्लू रहता है, हमें पता चल चुका है तुम कमिश्नर नहीं हो। अभी अभी हमारी बात असली कमिश्नर से हुई है, पता चल गया तुम फर्जी हो, फ्रॉड, एक नंबर के फ्रॉड। अबे यार चुपचाप जमीन बैठ, नहीं तो पेल दूंगा। अरे नहीं, पिल्ले पिलाने की कहां से बात कर रहे हो? ठीक है मैं बैठता हूं ना, बैठता हूं आराम से, दोनों हाथ खड़े करके बैठता हूं। ये देखो भाई साहब, यार मैं आराम से घुटनों के बल हाथ ऊपर करके आराम से बैठ गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़ाई झगड़े में यार वैसे भी कुछ नहीं रखा है यार, आप ऐसा करो ना, आप मेरे को अरेस्ट कर लो, लेकिन यार बस ये बंदूकें जरा मेरे मुंह से नीचे कर दो प्लीज। अरे इतनी जल्दी कैसे कर दे नीचे? पुलिस वालों को लल्लू बनाते हो तुम्हारी ऐसी तैसी, तेरी बैंड बजा दूंगा मैं, सीधा तेरे टकले पे अभी गोली मारूंगा। अरे नहीं भाई साहब ऐसा मत करो। नहीं मैं तो मारूंगा। अरे राजू यार इसे इतना मत डराओ यार, फालतू यार पैंट वैंट गीला कर देगा यार। अरे सुरेश यार मजे तो लेने दो, रे लौंडे अभी रुको, तेरे ऊपर मैंने ये अपनी गोली मारी, ये ले। अरे नहीं भाई साहब मत मारो। नहीं मैं तो मारूंगा। अरे नहीं यार मत मारो। नहीं मैं तो मारूंगा। अरे नहीं भाई साहब मत मारो। अरे ले ले लौंडे, क्या हो गया यार लेट का गए? अरे राजू हमने बोला था यार इतना मत डराओ उसको, हमें लग रहा है हार्ट अटैक आ गया। क्या हार्ट अटैक आ गया? हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, हार्ट अटैक आ गया, लगता है मरने वाला है। अरे लौंडे यार मैं मजाक कर रहा था यार, इतनी जल्दी कौन मरता है यार। अरे राजू कुछ करो यार, इस शोरूम में पूरे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कहीं ये लौंडा मर गया और इसकी रिकॉर्डिंग बाहर लीक हो गई तो भैया हम सब जेल जाएंगे और जेल जाके चक्की पीसेंगे। अरे यार सब बोलो यार, सब बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही चिन्नू मिन्नू चिंटू और सुरेश तुम लोग जल्दी जाओ, पानी लाओ, बर्फ लाओ, शरबत लाओ, सब कुछ लाओ यार, इसे उठाना पड़ेगा, इसे मरने नहीं दे सकते। हाँ सही बोले हो राजू, इसे पानी शरबत पिला के देखते हैं, क्या पता ही सही हो जाए। ओए लौंडो चलो सब लोग अलग अलग हो जाओ, हर जगह ढूंढो पानी शरबत, कुछ भी मिले तुरंत लाओ। हाँ ठीक है बॉस। हाँ ठीक है। ओके लौंडे यार मरना मत नहीं यार, बस तुम्हारा पानी शरबत सब कुछ आ रहा है, बस पी के तुम बढ़िया तंदुरुस्त हो जाना यार, मरना मत यार प्लीज। अरे लौंडे तुम सही हो गए? अरे वाह बढ़िया हो गए, इसका मतलब मैं अब जेल नहीं जाऊंगा। हाँ ऑफिसर जी आप जेल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप जेल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे भैया फेल दिया। साड़े मेरे को मारना चाहता था, मेरे को मारना चाह रहा था तेरी ऐसी तैसी, ये ले। ऑलराइट गाइस, हमारी शानदार ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस वाली एक्टिंग ने इसे लल्लू बना दिया, मरने का नाटक किया हम लोग ने एंड ये एक्चुअल में मान गया कि हम लोग मर रहे हैं। एंड इसके सब साथी यार पानी बर्फ वगैरह लेने गए, जब तक ये लोग लेने गए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और एक और गाड़ी भगा के निकल लेते हैं, लेट्स गो। एंड चलो यार इसे भी मैं खड़ी करके आता हूँ, फिर हम लोग अपनी लास्ट स्कॉर्पियो लेने चलते हैं, चलो। ओके गाइस हम लोग वापस शोरूम में आ चुके हैं, एंड चलो अपनी लास्ट गड्डी को भी लेने चलते हैं। ओके ये देखो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, वो देखो वहाँ पे सारे बाकी पुलिस ऑफिसर्स उस बेहोश हुए पुलिस ऑफिसर को देख रहे हैं जिसे हम लोग ने अभी पेला था। सही है सारे बकरे एक ही जगह मिल चुके हैं हम लोग को, तो ऐसा करते हैं ना इन बकरों को एक साथ ही पेल डालते हैं। सो गाइस 3 2 1 एंड चलो बॉम्ब फेंका जाए, ये लो दोस्तों एंजॉय करो मेरा गिफ्ट लो। अरे भैया क्या है ये बाबा? अरे भैया ये लो दोस्तों मेरा गिफ्ट लो, तुम लोग क्रिसमस का गिफ्ट लो दोस्तों। अरे भैया फेल दिया है। नहीं तो सालो पुलिस ऑफिसर्स मेरे से होशियारी दिखा रहे थे, मेरे को जेल भेजना चाह रहे थे, है नहीं तो एडिसी के साथ दोस्तों सारे पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग ने ढेर कर दिया है। लास्ट अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो एन भी हम लोग उठाते हैं एंड इसको भी उठा के निकल लेते हैं। चल बेटे खुल जा सिम दरवाजा खुल जा एंड यार चलो यहाँ से भाग जाए। एंड ओके ये क्या हो रहा है? ओहो गाइस यार लगता है उड़ने वाली स्कॉर्पियो है, सही में उड़ रही है, इसके नीचे रॉकेट्स वगैरह लगे हैं। नाइस यार बढ़िया कस्टम स्कॉर्पियो है, उड़ा भी सकते हैं इस गाड़ी को हम लोग और चला भी सकते हैं। सो यार इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने सारी स्कॉर्पियो एन स्टील कर ली है। अब तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन लिख बताओ सारी स्कॉर्पियो एन में तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट कलर वाली स्कॉर्पियो कौन सी थी। एंड बस दिस इज पेरिकोस वाइड, मिलता हूं तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।